कुकर में पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए हमने लिया हुआ है मटर है, ये है शिमला मिर्च और यह है टमाटर, हमने इसको कद्दूकस कर लिया है और यह हरा मिर्चा लहसुन और अदरक का है, अदरक कूट लिए हैं और आलू है, दो आलू को हमने बड़े सब्जी में काट लिए हैं और यह है प्याज, प्याज है दो प्याज को हमने मोटे मोटे पीस में काटे हुए हैं। इसके बाद चलते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले लेंगे सरसों का तेल और कुकर जब मतलब गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे सरसों का तेल और सरसों का तेल से जब धुआं निकल जाए तब इसमें हम डाल देंगे एक तेज पत्ता और थोड़ा सा यानी आधे चम्मच करीबन डाल देंगे इसमें जीरा। और जब तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए तब गैस का फ्लेम आप कम कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद जब जीरा जो है तड़क जाएगा तब इसमें हरे मिर्चा हमने डाल दिया है और ये मिर्चा फ्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को हम हल्का सा सुनहरा भूनेंगे यानी गोल्डन ब्राउन भूनना है। तो थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें जो हमने लहसुन और अदरक कूट करके रखा हुआ है इसको इसमें डाल करके तब इसको ब्राउन करेंगे। तो थोड़ा सा इसको जब प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन। तो आप लोग इसकी जगह पे पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन जो दरदरा कूट करके जो स्वाद होता है वो पेस्ट में उतना अच्छा स्वाद नहीं देता है। अब इनको भी हम मिलाएंगे। अब इसके बाद जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा यानी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसके बाद हम आगे जो भी मसाले हैं, तो आप लोग देख पा रहे हैं जो प्याज है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तब इसमें हम डाल देंगे मसाले, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, आधे चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखा नहीं होता है, ये ऑप्शनल है, आप लोग डाल सकते हैं और इसकी भी कर सकते हैं, दो चम्मच धनिया पाउडर है। अब इसको हम भूनेंगे ना, इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी है छोटी गिलास, एक गिलास पानी इसमें हम डाल दिए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे पानी इसमें क्यों डाले हैं, जो पत्ता गोभी है पानी छोड़ता है लेकिन पानी डालने से जो मसाले हैं ना कुकर में अच्छे से भून जाएंगे, क्योंकि पत्ता गोभी तो भी हम डालेंगे नहीं, तो इसीलिए जो पानी डाल करके अच्छे से मसालों को भूनना है। तो जब अच्छे से उबाल आ जाए तब इसमें हम डाल देंगे क्रश किया हुआ टमाटर और टमाटर डालने के तुरंत ही बाद हम डाल दिए हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक डालकर अब इसको हम उसी मसालों में इसको अच्छे से पकाएंगे। पानी डालने से यही है कि जो मसाले अच्छे से पकेंगे, टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा, तब इसको हम ढक देंगे। अब ढक करके जो टमाटर हैं देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल गए हैं और इनको अच्छे से अभी हम चला करके भूनेंगे। तो लगातार चला कर भूनते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट भूने हैं इसको हम, तब इसमें शिमला मिर्च को डाल देंगे इसमें, इसी के साथ आलू और मटर भी डाल देंगे। अब इन सब्जियों को हम मसालों के साथ भूनना है और कुकर में जल्दी ही ये सब्जी बन जाती है। आप लोग इस सब्जी को जरूर बना करके देखिएगा। तो इसको हम मतलब भूने हैं 1 मिनट ऐसे ही, आलू शिमला मिर्च और मटर को भूने हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, गरम मसाला डाल करके इसको हम मिला देंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो मसाले हैं अच्छे से हमारे भुन गए हैं और बहुत बढ़िया मसाले एकदम तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे जो पत्ता गोभी है उसको, अभी हम चलाएंगे ना इसको हम मतलब कुकर का ढक्कन है रख करके 1 मिनट छोड़ देंगे, जिससे जो पत्ता गोभी है नीचे बैठ जाए यानी गल जाए, थोड़े से गल जाएंगे तो चलाने में मतलब सुविधा होगा। अब ऐसे चलाएंगे तो पत्ता गोभी जो है नीचे गिरने लगेगा, अच्छे से चला नहीं पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा ढक करके और इसको अच्छे से हम चला लिए हैं। तो जो मसाले हैं पत्ता गोभी अच्छे से मिल गए हैं। अब इसके बाद कुकर का ढक्कन इसमें हम लगा देंगे और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद इसमें हम लगाएंगे सिर्फ 1 सीटी, 1 सीटी में सब्जी बढ़िया से तैयार हो जाएगी। तो हमने 1 सीटी लगा लिया है, जब प्रेशर कुकर का जो गैस अच्छे से निकल जाए तभी इस ढक्कन को खोलना चाहिए। तो आप लोग देखिए ये जो पत्ता गोभी है कितनी अच्छे से बढ़िया बन के तैयार हो गई है। अब बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगा है, जितना भूनने में ही जो समय लगा है उतना ही समय इसमें लगा है।
तो इसके बाद अब इसको हम चला करके इसमें डाल देंगे ऊपर से धनिया की पत्ती और इनको भी हम मिला लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये पत्ता गोभी की सब्जी कुकर में बनाने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू।